स्वागत है आपका एक बार फिर से रिव्यू चैनल पे। मैं हूँ रहमत दिल्ली से और आज मैं जा रही हूँ डी मार्ट जो कि ग्रेटर नोएडा में है। ये अभी 7 से 8 महीना पहले ओपन हुआ है और इसके बारे में मैंने सुना था कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो कि बेसिकली डी मार्ट में होती है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने जा रही, इन्फॉर्मेशन बढ़ाने जा रही इस डी मार्ट को लेकर। परचेज़ बहुत कुछ नहीं करना था, बस मुझे देखने के लिए जाना था कि यहाँ है क्या क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैंने सुनी है कि यहाँ बात बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत कम चीज़ें यहाँ मिलती है। तो आज देख कर ही पता लगा लिया जाए। और मेरे पास है 1000 रुपीज़ मेरे पर्स में, तो मैं 1000 में यहाँ से क्या क्या चीज़ ले जा पाती हूँ वो भी मैं दिखाऊँगी लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में, कि मैंने 1000 में क्या क्या परचेज़ किया है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो मैंने देखा कि हाँ अच्छी खासी भीड़ है, क्योंकि मैं वीकेंड पे गई थी, सैटरडे का डे था और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ग्रोसरी से रिलेटेड थी। ऐसा नहीं था कि बहुत सारी चीज़ ऐसी हो जो कि किचन से रिलेटेड हो, किचन से रिलेटेड कंटेनर्स वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह ये सब था, लेकिन ग्रोसरी की चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा थी। और हाँ, डिस्काउंट सब पे था, हर चीज़ पे डिस्काउंट था। कुछ चीज़ें मुझे सस्ती लग रही थी, कुछ चीज़ें नॉर्मल रेट की लग रही थी। हाँ, महंगी कोई चीज़ नहीं लग रही थी कि बहुत महंगी दिख रही है, रेट से ज़्यादा ले रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं था कि बहुत सस्ती दिख रही हूँ, नॉर्मल ही रेट था। और जैसे कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं और इधर शाहीन बाग एरिया में, बटला हाउस एरिया में, ये सारी चीज़ मुझे इसी रेट में मिल जाती है जो कि डीमार्ट का रेट था। तो मुझे बहुत ज़्यादा भी प्राइस लो नहीं लगा, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं लगा, लेकिन क्वालिटी वाइज मुझे चीज़ें अच्छी लगी, क्वालिटी इनकी सही थी। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ पे ये मैं क्लिप दिखा रही हूँ, क्लोथ क्लिप, वुडन क्लोथ क्लिप, मुझे 20 रुपीज़ का इतना पैकेट मिल गया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर आप देख लें, जैसे मेरी वीडियो चल रही है उसी हिसाब से आप देखते हुए चले कि क्या चीज़ का क्या रेट है यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, और फिर लास्ट में तो मैं दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया 1000 के अंदर में। But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. पर आप देखें कि मैंने 1000 के अंदर क्या क्या चीज़ ख़रीदा है डी मार्ट से। मतलब ऐसी यूं ही चली गई थी डी मार्ट कि चलो देख लेते हैं कहाँ पर खुला है नोएडा में, पर डी मार्ट के अंदर जाते ही पता चल गया कि अरे यहाँ बहुत सारे सामान हैं, मतलब कुछ तो लेकर आना ही था। तो मेरे पास 1000 था मेरे पर्स पे, तो जो मुझे 1000 के अंदर सही लगा मैंने ले लिया। फर्स्ट मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले जो चीज़ मैंने ली है ये महरीन के लिए ली है, ये महरीन का लंच बॉक्स है। तो महरीन ने कहा कि मेरा एक लंच बॉक्स ले दीजिए जिसमें कि हम अलग अलग चीज़ें आराम से लेके जा सकें। तो मैं आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगी कि महरीन को मैं लंच में क्या क्या चीज़ दे रही हूँ, तो वो वीडियो भी चैनल पर ज़रूर आएगी। तो ये बहुत अच्छा सा लंच बॉक्स है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, सबके लिए सही रहेगा। और ये मुझे डी मार्ट में 219 रुपीज़ का मिल गया, तो मैंने इसे ले लिया। इसमें 2 कंपार्टमेंट है, अलग अलग चीज़ आप इसमें बच्चे को आराम से दे सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई, और ये सारी चीज़ मुझे 1000 के अंदर में ही मैंने ली है। महरीन के लिए मैंने ये लिया है रबर बैंड, क्योंकि अक्सर स्कूल जाने टाइम उसकी मैं चोटी बनाती हूँ, या फिर घर पे भी पढ़ाई के टाइम, ताकि उसके आंखों में बाल ना जाए। तो ये है, ये मुझे 30 रुपीज़ या 35 रुपीज़ का ये डब्बा मुझे मिल गया है। तो सेकेंड चीज़ ये थी। थर्ड चीज़ ये है हेयर डाई, हस्बैंड जी को अक्सर चाहिए होता है क्योंकि वो गार्नियर वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो बोलते थे कि कुछ अच्छा सा ब्रश ले लो। तो ये मुझे 35 रुपीज़ का, ये मुझे 3 नंबर्स इस तरह के ब्रश मिल गए हैं, अच्छे अच्छे हैं। मतलब यहाँ पर से आप कॉम भी करें, यहाँ से आप कलर भी लगाएं हेयर पे, तो अच्छा था ये प्रोडक्ट भी, तो मैंने ले लिया बहुत सस्ते दाम में, 35 या 40 रुपीज़ का। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा 45 रुपीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर मुझे 45 रुपीज़ में नहीं मिला और कम में ही मिला है। और उससे भी अच्छी चीज़ ये है, हिजाब पिन कह लें, साड़ी पिन कह लें, मतलब बच्चों के ड्रेस में अगर आपको
हैंकरचीफ टक करना है तो उसके लिए ये पिन यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी पिन बहुत अच्छा वाला है ये, मुझे 29 रुपीज़ का कितना पीस मिल गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मुझे 8 पीस मिल गया है 29 रुपीज़ का। ऐसे मार्केट में जाओ एक पीस 10 रुपीज़ का मिलता है ये, तो ये अच्छी डील थी मुझे लगी। और मैंने इनके लिए लिया है ये हेयर बैंड इस तरह का, और ये मुझे 35 रुपीज़ का, 39 रुपीज़ का मुझे 2 मिला था। तो बात कुछ ये हुई कि महरीन को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, तो महरीन ने एक ठोको मतलब एक पीस को महरीन ने ब्रेक कर दिया। तो ये इसका कुछ स्टोरी था। और भी चीज़ मैं दिखाती हूँ और मैंने क्या लाया। महरीन को ये टॉफ़ी पसंद थी, लंदन डेरी मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो मैंने एक पैकेट ये लिया 50 रुपीज़ का। इस पर भी कुछ डिस्काउंट था ही, डिस्काउंट मुझे याद नहीं कितना उस पर मिला मुझे, और मैं चीज़ दिखा दे रही हूँ जो कि 1000 में हुआ। ये मैंने रैपर बचा के रखा हुआ है, प्लीज़ हंसिएगा नहीं, लेकिन मैंने दिखाने के लिए रैपर रखा हुआ। तो ये सोया स्टिक और दूसरा पैकेट ये वाला है सोया, ये भी इसी तरह का टेस्ट का है, ये भजिया टाइप का। तो ये 50 रुपीज़ का मुझे बहुत मिला, तो मैंने ये लिया था। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है, नेक्स्ट टाइम अगर गई तो पक्का लाऊंगी वहाँ से दोबारा ये ख़रीद कर डीमार्ट से। फिर लिया है स्कॉच ब्राइट किचन के लिए, किचन के शेल्फ को क्लीन करने के लिए। ये मुझे इस पर 75 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया था, 4 इन नंबर्स है, और अगर आप शॉप से खरीदिएगा जो आपको MRP भी मिलेगा, लेकिन डीमार्ट में मुझे 75 रुपीज़ का डिस्काउंट इसके ऊपर मिला है। और दिखा दूँ मैंने क्या लिया है, या ये अमूल का ये जो हैंडी सा अमूल बटर होता है वो लिया है महरीन को लंच बॉक्स में ब्रेड वगैरह पे लगा कर देने के लिए, कि एक को मतलब यूज़ करो फिर बाकी सब अच्छे से रहता है वैसे। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, इस पर भी डिस्काउंट था ही वहाँ। फिर ये महरीन के लिए चॉकलेट्स, वो बहुत खाती है, उसको चाहिए होता है मीठा, तो इसे भी मैंने इस तरह से रबर लगा के रखा हुआ आप लोगों को दिखाने के लिए कि पार्ले जी मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और ठंडे पानी में डिप करके खाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता तो नीचे कमेंट में बताइएगा। तो मैंने ये एक पैकेट लिया था, और सबसे सस्ती चीज़ मुझे ये लगी, ये 20 रुपीज़ में मुझे इतने सारे क्लिप्स मिल गए। तो ये सारी चीज़ मैंने परचेज़ की है डीमार्ट से, और 1000 के अंदर में इतनी सारी चीज़ हुई है। और सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लंच बॉक्स लगा जो मुझे 219 रुपीज़ का मिल गया। और 2-3 चीज़ और मैंने ली थी जो कि इंस्टेंटली खाने वाली थी, योगर्ट वगैरह ले लिया था, तो आइसक्रीम वगैरह वहाँ से ले लिया था जो कि हम लोगों ने डीमार्ट से निकलते के साथ ही खा लिया था, तो वो मैंने आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। तो ये थी शॉपिंग डीमार्ट से, डीमार्ट नोएडा है ना, वहाँ मैं गई थी। तो आप लोग भी ज़रूर जाएँ और नीचे कमेंट में बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।